मेरी ये टॉक जो है दिस इज अबाउट अ ग्रेट बुक बाय अ ग्रेट एकेडमिशियन। मैं जब इस किताब को किसी को रेकमेंड करता हूं तो उसको मैं कुछ बातें कहता हूं। वो बातें क्या है? वो ये है कि देखें, मैं कुछ लोगों को कहता हूं, सबको नहीं कहता, लेकिन नाउ मेरे जो इस वक्त मुखातिब हैं वो तमाम लोग हैं जो जिनके बच्चे वगैरह ठीक पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं या जाने वाले हैं स्कूल, और बड़े भी होंगे, आई मीन देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनसे ये कहता हूँ कि देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये किताब पढ़ें, नाम मैं बताने वाला हूँ इस किताब का, आप ये किताब पढ़ें, और अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे किताब तो आप अपने बच्चों पर जुल्म करें। दिस इज वॉट आई टेल। द नेम ऑफ दीज टू बुक्स विच आर ऑथर्ड बाय जॉन होल्ट, एक का नाम है हाउ चिल्ड्रन लर्न और दूसरे का नाम है हाउ चिल्ड्रन फेल। ये दो किताबें जॉन होल्ट की, ही डाइड इन 1985 आई थिंक, और ये दीज बुक्स वर रिटन 1964-65 आई थिंक अराउंड दैट टाइम। लेकिन मैं आज भी जब लोगों को बयान करता हूँ और उनके साथ जिक्र करता हूँ तो इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स भी देता हूँ टू टेल यू द इम्पोर्ट, वो मैं शायद देखें भी देता हूँ या नहीं। तो वो जो एग्जांपल्स हैं वो ये सिर्फ बताती हैं, ठीक है, तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता कि इसके अंदर क्या डिटेल्स हैं। देयर इज डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन इन दीज टू बुक्स, और कम से कम एक किताब तो आपको लाजमी पढ़नी चाहिए, और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आप अपने बच्चों पर जुल्म करें। ठीक, मैंने जिस वक्त मेरी ये किताब मैंने पढ़ी तो कुछ बच्चे मेरे स्कूल एज में थे, उस वक्त थे स्कूल एज में, तो जस्ट इन टाइम आई रेड दोस बुक्स, ऑल्दो इट वाज अ बिट लेट, लेकिन इट हैज टोटली चेंज्ड माय पैराडाइम अबाउट व्हाट लर्निंग इज, और लर्निंग किस तरह प्रोसीड करती है, और उसकी क्या प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, और किस तरह से हम लर्निंग को एनेबल करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो मैं सोच रहा हूँ कि इस वक्त दूँ या नहीं दूँ, लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त मैं नहीं बताऊँगा, टाइम कम होगा और ये बड़ी डिटेल है, बट आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस दिस सेकंड बुक व्हिच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर रेजिंग देयर चिल्ड्रन और ट्राइंग टू रेज देम बेटर।